बस हल्का फुल्का काम, बाकी समझिए एक दो सप्ताह के अंदर खुलने वाला है। देखिएगा आइनॉक्स का काम चल रहा है, इस घर पर आप लोग देख सकते हैं, और ऊपर शॉपिंग मॉल भी बन रहा है। आइनॉक्स से बहुत काफी अंदर का खूबसूरत है, पूरा गोल्डन कलर से इसको देख रहे हैं, सजाया गया बनाया गया है। अब अशोक आइनॉक्स कमिंग जून लिखा गया है, पहले बोर्ड लगा हुआ नहीं था, पता नहीं, बट अब मेरे को लग रहा है कि अपना चैनल मेरे को क्लोज करना पड़ेगा। अब लगता है कि मेरे को यूट्यूब चैनल अपना बंद ही करना पड़ेगा, जो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया है क्योंकि लोग सब्सक्राइब नहीं करे, बस ऐसे देख के चले जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, आई एम जय, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस अभी केपी मॉल के पास है, आपको आइनॉक्स का अपडेट देने वाले हैं, तो लास्ट टाइम ब्लॉग में बने रहिए। देख लेगा अभी केपी मॉल के पास है, अशोक आइनॉक्स ऊपर लिखा हुआ है और अशोक आइनॉक्स कमिंग जून लिखा गया है, पहले बोर्ड लगा हुआ नहीं था, अब लग चुका है क्योंकि जल्दी ये खुलने वाला है। अंदर चलते हैं, फिर थोड़ा पता करते हैं कभी खुलेगा। अभी केपी मॉल के पास है गाइस, इस्कॉन टेम्पल पटना का, वहाँ पर आइएगा, वीडियो पते का है, वहीं पर इसका केपी मॉल है और सामने आप लोग देखिए मेरे पेट्रोल पंप है, तो यहीं पर केपी मॉल है। अभी जाएंगे और पता करेंगे आइनॉक्स कब खुलने वाला है। बोलिए कमेंट आता है कब खुलेगा, कब खुलेगा। यार अभी बोला गया था कि मार्च में ओपन हो जाएगा, बट अभी तक ओपन हुआ नहीं, अब मैं क्या कर सकता हूँ। बाकी आप लोग देख लिए केपी मॉल का अलग से ब्लॉग बना चुके हैं, आप लोग पूरा देख लीजिएगा अच्छा से। देखिए अशोक आइनॉक्स कमिंग जून लिखा गया, देख लीजिएगा आइनॉक्स का काम चल रहा है, स्क्वायर पर आप लोग देख सकते हैं, और ऊपर शॉपिंग मॉल भी बन रहा है, ऊपर चल के हल्का सा आपको दिखा देंगे। तो गाइस बता दें थर्ड फ्लोर पे शॉपिंग मॉल वो भी खुल चुका है, मतलब हल्का फुल्का काम बाकी है। बोले सर कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब उसका वीडियो अच्छा से बना लीजिएगा, अभी हल्का फुल्का अधूरा काम बाकी। और सिनेमा हॉल भी उसके ऊपर बस काम चल रहा है, इसी महीने में खुलने वाला है, बट यहाँ पर कम से कम को 3 स्क्रीन मिलने वाला है। आइनॉक्स से बहुत काफ़ी अंदर का खूबसूरत है, पूरा गोल्डन कलर से इसको हम देख रहे हैं, सजाया गया बनाया गया। तो अभी गाइस केपी मॉल के पास हैं, बाहर आ गए हैं, अंदर देख कर आ गए हैं, बस हल्का फुल्का काम बाकी, समझिए एक दो सप्ताह के अंदर खुलने वाला है। पता चला इसका पूजा हो चुका है, 31 तारीख को खुलने वाला था, बट किसी वजह किसी कारण से सिनेमा हॉल नहीं खुल पाया। और थर्ड फ्लोर पे काम चल रहा था, वो पूरा शॉपिंग मॉल वहाँ पर नया जगह खुला है, उसका भी जल्दी ब्लॉग आएगा। हल्का फुल्का फ्लोरिंग का काम बाकी है, बाकी पूरा कंप्लीट है। बहुत कोई गाइस बोल रहे थे कि सिटी सेंटर में भी तुम यहाँ केपी मॉल का वीडियो दिखा दे, भाई केपी मॉल का वीडियो नहीं दिखा दिया, अच्छा से पहले वीडियो देखो, उसमें बोल चुके हैं कि ऐसा ही खुलने वाला है, ऐसा ही बनने वाला है केपी मॉल का। मैंने वहाँ इसमें वीडियो डाला था सिटी सेंटर में, क्योंकि सिटी सेंटर का किसी फ्लोर में जा रहे हैं तो गार्ड जी अंदर सब जगह गेट ही बंद है, तो अंदर जाने कोई रास्ता ही नहीं है। तो गार्ड जी बोले कि नहीं भाई आपको घुसा देंगे, उसमें मेरा जॉब तो चल जाएगा, इसलिए वहाँ कोई तरीके से वीडियो नहीं ले सकते। इसलिए मैंने आपको दिखा दिया यहाँ का वीडियो और बोले थे इसी टाइप का खुलने वाला, फोटो भी था, बस आप लोग वीडियो पे कमेंट कर दे रहे हो भाई कि केपी मॉल का दिखा रहे हो, दिमाग लगा रहे हो कि नहीं कर रहे हो, गाली दे रहे हैं परफेक्ट। पहले अच्छा से वीडियो स्किप करके देखिए, मत सुनिए भी बराबर। देख लीजिए यहाँ पर पार्किंग है, चार्ज सब लिखा हुआ है, काउंटर आपको दिखा दिए, यही हमारा केपी मॉल काफ़ी बड़ा है। थर्ड फ्लोर देख सकते हैं, फोर्थ सेकेंड थर्ड फ्लोर पर नया खुला, ऊपर फोर्थ फ्लोर पर आइनॉक्स सिनेमा हॉल खुलने वाला है। आपको बता देते इसी महीने में आइनॉक्स सिनेमा हॉल खुलने वाला, पता चल गया। ऊपर जाके बोले वीडियो तो अभी शूट नहीं करना है, बाकी अपडेट देके आप बता सकते हैं। और थर्ड फ्लोर पे आपको नया शॉपिंग मॉल खुलने वाला है, जो कि यहाँ पर उसका काम चला था वो भी कम्प्लीट हो चुका है, तो बस फ्लोर का काम बाकी है, बाकी ओवरऑल पूरा कम्प्लीट। बताया गया कि फाइनली इसी मंथ में कुछ सप्ताह के अंदर खुलने वाला है। तो आपको फिर से बता दे, सिटी सेंटर जाएंगे फिर से यही का वीडियो डालेंगे, तो आप फिर मत बोलिएगा भाई यही का वीडियो डाल लो केपी मॉल का। आपको बता दे रहे सिर्फ दिखाने के लिए बताते हैं कि इसी टाइप का सिनेमा हॉल होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर तो कोई दरवाजा ही नहीं दिख रहा भाई जाने का, कहाँ पर सिनेमा हॉल बन रहा है, जहाँ से बन रहा है वहाँ से अलाउ नहीं है जाने। पटना को आइनॉक्स का बहुत जरूरत था, आईएमएक्स तो सिनेमा हॉल का भी पता नहीं, बट आइनॉक्स जल्दी खुलने वाला है। अभी तक समझिए आइनॉक्स आईएमएक्स कोई भी नहीं खुला, आइनॉक्स ये खुलने वाला। पहले तो था कि सिटी सेंटर में खुलेगा, बट वो उसमें अभी 2-4 महीना भी और लगने वाला, फिलहाल इसमें बस खुलने ही वाला, इसी महीने में खुलने वाला है, पक्का 100% श्योर हो गया, क्योंकि पूरा कंप्लीट हो चुका है सिनेमा हॉल। पता नहीं, बट अब मेरे को लग रहा है कि अपना चैनल मेरे को क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि लोग तो देखते हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, 99% दिखा रहा है कि सब्सक्राइब ही नहीं करे, बिना करे ही चल जाते हैं, क्योंकि सबका माइंड में रहता है जिसका 1 लाख सब्सक्राइब 2 लाख सब्सक्राइब वही बेस्ट है, इसलिए मेरा पूरा वीडियो जाकर भाई चेक कर लिया करो। तो मेरे को लग रहा है कि मेरे को यूट्यूब चैनल अब थोड़ा ख़त्म ही करना पड़ेगा, कोई रिस्पॉन्स मतलब वैसे अच्छा आ नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया मैं महीना कमा रहा हूँ, आपको सच में 20,000 रुपया भी महीने से नहीं आता, फिर भी आप लोगों के लिए अच्छा ब्लॉग लेकर आता हूँ, जो पटना में कोई भी लेकर नहीं आता है। तो जो भी नए सब्सक्राइबर है प्लीज़ मेरा और सब पुराना वीडियो जाके पहले चेक कर लिए, यही वीडियो देखिए स्किप मार दिया है, सब्सक्राइब नहीं किया, कोई कुछ फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने के लिए, आपको बता रहे हैं टाइम ही हम लोग को देना पड़ता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो ही बना रहे हैं, अलग से काम भी कर रहे हैं और यूट्यूब को भी देखना पड़ता है, और फिर एडिटिंग भी करो अलग से, जो काम करे उसका भी मतलब जो भी मैं काम करता हूँ सब मेरा एडिटिंग ही काम हो। अब लगता है कि मेरे को यूट्यूब चैनल अपना बंद ही करना पड़ेगा, जो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया है, क्योंकि लोग सब्सक्राइब नहीं करे, बस ऐसे ही देख के चले जा रहे हैं। दिन पे दिन नया नया ब्लॉग लेकर मैं आता हूँ, आधे लोग तो मेरा जाके कॉपी कर लेते हैं, बहुत कोई मिलते हैं बोलते हैं अच्छा है कि आप बहुत मेहनत करो वो करो, बट सब्सक्राइब बढ़ नहीं रहा, बहुत टाइम हो गया यार, तो मेरे को लग रहा है कि अब इसको ख़त्म करना पड़ेगा। मेरे को पता नहीं, जैसा आप लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट भी कोई नहीं करते हैं। आप लोग को वीडियो देखने में लगता है कि बहुत सारा है, लेकिन आधा पटना में लोग बहुत ज़्यादा घमंडी है, कैफे रेस्टोरेंट ज़्यादा घमंडी है, एकदम व्यू देखेंगे 1 लाख जा रहा है 2 लाख जा रहा है तभी बोलेंगे,
प्रमोट करें। आप लोग बोलते हैं रेस्टोरेंट नया कैफे क्यों नहीं बना रहे, लेकिन क्या करें, जाते हैं तो फिर औकात दिखाने लग जाते हैं, व्यू नहीं जा रहा है, वो नहीं जा रहा है। भाई 2000 व्यू जा रहा है, लेकिन मेरा 2000 के व्यू में भी लोग आपके पास जाते हैं, उनको ये पता नहीं है। अब मेरे को पूरा सब्सक्राइबर अपना दिखाना पड़ता है कि ये देखिए अच्छा अच्छा वीडियो से व्यू किया, ये दिखाना पड़ता है। चल जाके बोलते शूट करिए और उसमें कुछ पैसा दे। लोगों जितना लगता है आसान उतना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा बेटी मेरे को सहना पड़ता है और उसको सब्सक्राइब कर नहीं रहा। चलिए कोई नहीं, बार बार सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब मैं नहीं बोलूँगा, बट आपको बता दे उतना ईजी नहीं है कि कैफे रेस्टोरेंट जाते हैं तो समझिए 80% कैफे मेरा बेहतर कर देता है, इंसल्ट ही कर देता है, लेकिन फिर भी कैसे कैसे करके शूट करना पड़ता है, बहुत सारे को बनाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, फिर जाके शूट कर पाते हैं।